जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। आज का पहला वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव किस वर्ड से बना है? ये वर्ड बना है कंप्लीट से। तो कोई चीज अगर कॉम्प्रिहेंसिव होती है, इसका मतलब वो क्या होती है? कंप्लीट होती है, वो पूरी होती है, उसमें सब कुछ समाया हुआ होता है, दैट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव है। लास्ट में एसआईवी लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कवरिंग और इन्वॉल्विंग एवरीथिंग, कोई चीज थॉरो है, कंप्लीट है, इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, सब कुछ कवर कर लिया, ऑल इनकम्पासिंग है, सब कुछ कवर कर लिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? लिमिटेड है, ना के बराबर है, नैरो है, ना के बराबर है, पार्शियल है, बहुत थोड़ा सा है। तो रिसर्चर ने एक कंप्लीट स्टडी को कंडक्ट किया इकोसिस्टम की, उसने बायोडाइवर्सिटी के हर एस्पेक्ट को कंसिडर किया। चलो पैरामाउंट, पैरामाउंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामाउंट, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। वाइटल है, क्रूशियल है, एसेंशियल है, मींस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। एंटोनिम्स क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट है, मामूली है, माइनर है, ना के बराबर इंपॉर्टेंस है, ट्रिवियल पर डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बड़े वर्ड एग्जाम में आ चुका है। एक और वर्ड होता है पेटी है, मींस ना के बराबर है, एक डायरेक्ट सिनोनिम नहीं होता बट एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट सिनोनिम होता है मियागर। मियागर का मीनिंग क्या होता है? इतूसा, मतलब बहुत ही ना के बराबर। तो टूरिस्ट की जो सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, तो इट इज पैरामाउंट, मींस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल्स्टर करना मींस किसी चीज को स्ट्रांग बनाना, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोल्स्टर आप किसी चीज को कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, और जब फोर्टिफाई नीचे लिखा हुआ भी है मीन्स क्या कर रहे हो, उस चीज को स्ट्रांग बना रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो और स्ट्रांग बना रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो और स्ट्रांग बना रहे हो। एंटोनिम्स कमजोर बना रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो, वीकन कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, कमजोर बना रहे हो। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, जो स्किल्स होती हैं और जो लोकल कम्युनिटी की कैपेबिलिटीज होती हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाती हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है पाइवोटल। पाइवोटल मीन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से वही वर्ड आ गया अभी जो पढ़ा था, क्रूशियल है, सेंट्रल है, वाइटल है, पैरामाउंट है, मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्रिटिकल है, फंडामेंटल है, एसेंशियल है। अच्छा, क्रिटिकल वर्ड के ना दो मीनिंग्स होते हैं, एक क्रिटिकल का मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट। एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि आप उसके पॉजिटिव चीजें भी देख रहे हो और एक आप उसकी नेगेटिव चीजें भी देख रहे हो। पॉजिटिव चीजों को क्या बोलते हैं? प्रोज भी देख रहे हो, कॉन्स भी देख रहे हो, एक मीनिंग ये होता है। एक और मीनिंग होता है जहां पे अगर आप किसी की बुराई कर रहे होते हो तो कैसे टोन होती है? आपकी क्रिटिकल होती है। तो ये तीनों ही मीनिंग्स होते हैं क्रिटिकल के। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि एक सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मीन जो चलता रहे, एक कैसा टूरिज्म लैंडस्केप बन जाए, कैसा एनवायरमेंट बन जाए टूरिज्म का। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में एएल लग रहा है तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। एनरिच करना, किसी चीज को और अच्छा बना देना, किसी चीज को और मीनिंगफुल बना देना, एनहांस कर देना, अपलिफ्ट कर देना, फुलफिल कर देना और उसको पूरा कर देना। एंटोनिम्स डिप्लीट कर देना, कम कर देना, डिमिनिश कर देना, कम कर देना, इम्पोवरिश कर देना, कम कर देना और खराब कर देना। तो जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है? हम उनका कल्चर देखें, वो हमारा कल्चर देखें, इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ही बढ़िया एनरिचिंग मीन्स फुलफिलिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि इससे फोस्टर होती है, स्ट्रांग बनती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मीन्स आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है। क्या ये V1 प्लस ING है? V1 प्लस ING को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है दोनों है, एडजेक्टिव भी है और V1 प्लस ING भी है। कॉन्कोमिटेंट में रूट वर्ड है, इनफैक्ट प्रिफिक्स है को, को का मीनिंग होता है टुगेदर, को रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर। तो कॉन्कोमिटेंट का मीनिंग क्या होगा? दो चीजें जो साथ में हो रही है, तो वो दोनों चीजें क्या है? कॉन्कोमिटेंट है। नेचुरली अकंपनिंग और एसोसिएटेड, किसी के साथ आ रहा है, किसी से एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, रिलेटेड है, मीन्स कॉन्कोमिटेंट है। लास्ट में ENT लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? अनरिलेटेड है, कोई रिलेशन नहीं है, सेपरेट है, कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो जो कॉन्कोमिटेंट इंक्रीज है, जो एसोसिएटेड, जो रिलेटेड इंक्रीज है पोल्यूशन लेवल्स में, इसकी वजह से क्या हो गया है? बीमारियां बढ़ गई हैं शहर में। तो कॉन्कोमिटेंट का मीनिंग क्या होगा? रिलेटेड, कनेक्टेड, एसोसिएटेड।
अगले शब्द पे आते हैं एसिमिलेशन। सबसे पहले तो लास्ट में ION है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया आप लोग बताओ? नाउ एसिमिलेशन मीन्स आप अपने अंदर उस चीज को ग्रहण कर रहे हो, आप अपने अंदर उस चीज को समा रहे हो, मतलब आप उस चीज को समझ रहे हो, पूरी तरीके से समझ रहे हो। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड फुली अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन और आइडियाज, एब्जॉर्ब कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, मीन्स अपने अंदर ले रहे हो। एंटोनिम्स डिसइंटीग्रेशन, अपने आप से दूर कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। तो अलग अलग तरह के जो कल्चर्स होते हैं, अगर वो एसिमिलेट हो जाए, मतलब उनका आना किसी सोसाइटी में, उस सोसाइटी को क्या करता है, एनरिच करता है और अच्छा बनाता है। किस चीज़ को सपोर्ट करता है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग तरह के लोग साथ में जो रहते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग को भी स्ट्रांग बनाता है। इनकल्केशन, फिर से लास्ट में ION आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इनकल्केशन का मतलब भी क्या, किसी चीज़ को इनकलकेट करना, मीन्स अपने अंदर लेना। किस चीज़ को अंदर लोगे? नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज को, किसी भी चीज़ को अपने अंदर ले रहे हो, मतलब आप उस चीज़ को इनकलकेट कर रहे हो। द इंस्टिलिंग ऑफ नॉलेज और वैल्यूज, बार बार रेपिटेशन से लगातार पढ़ा पढ़ा के, मैं आपको कोई चीज़ बार बार पढ़ा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, तो वो चीज़ आपके अंदर क्या हो रही है? इनकलकेट हो रही है। इंस्टिलेशन, इम्प्लांटेशन, इंडॉक्ट्रिनेशन मीन्स अपने अंदर किसी चीज़ को फर्म बना देना, अपने अंदर किसी चीज़ को स्ट्रांग होल्ड दे देना। एंटोनिम्स, निग्लेक्ट कर दिया भाई, इग्नोर कर दिया, इग्नोरेंस, डिसरिगार्ड, कोई वैल्यू नहीं दी। तो इनकल्केशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स, तो किस चीज़ को बनाना है? एथिकल प्रिंसिपल्स मीन्स ऑनेस्टी हो गया आपका, सही काम करना, झूठ ना बोलना, ये सब क्या है? एथिकल प्रिंसिपल्स। इन सबको एक बच्चे के अंदर डेवलप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बच्चे को बड़ा करने में। समझ आ रहा है? ट्रायंफ, जीत, विक्ट्री, सक्सेस, अकॉम्प्लिशमेंट, जीत को क्या बोलते हैं? ट्रायंफ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। एंटोनिम्स क्या हो गए? फेलियर, हार, डिफीट, हार, सेटबैक, फेलियर। तो चैंपियनशिप जीतना एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, इमेंस मीन्स ह्यूज, प्राइड मीन्स एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, एक गर्व की बात थी पूरी की पूरी टीम के लिए। कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। क्रैक डाउन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। पुलिस को क्रैक डाउन करना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना किसी के खिलाफ, जिससे कि रूल्स रेगुलेशंस लागू किए जा सके। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा भाई, एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अलग अलग नजरियों के बीच में, अलग अलग जरूरतों के बीच में। यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, एक बैलेंस बनाना है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? और भी बहुत सारी वोकैबुलरी करेंगे भी आर्टिकल्स के बीच बीच में, तो जैसे आर्टिकल्स में डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स आते जाएंगे, मैं उनका मीनिंग आपको वहीं की वहीं बताते हुए चलूँगी। तो बिल्डिंग आ सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? जो चलता रहे। एंड एनरिचिंग, एनरिचिंग मीन्स जो हमको अंदर से फुलफिल करे, अच्छा फील करवाए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। तो ऐसा हमें टूरिज्म का इको सिस्टम बनाना है। इको सिस्टम मीन्स पूरा का पूरा इन्वायरमेंट। अ होलिस्टिक अप्रोच, अप्रोच मीन्स एक तरीके से स्ट्रैटेजी। होलिस्टिक किस वर्ड से बना है? होल, होल मीन्स पूरा। तो होलिस्टिक का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इम्प्रूविंग टूरिज्म, टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए नेसेसिटेट्स, नेसेसिटेट्स मीन्स जरूरी बना देता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक अपने आप में एक पूरी, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी को, दैट एनकम्पासेस, एनकम्पासेस मीन्स कवर करना, जो किसको कवर करती है? वेरियस, अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग पहलू, अलग अलग चीजें, ट्रैवल इकोसिस्टम के, ट्रैवल एनवायरमेंट। तो ट्रैवल का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें जरूरी क्या है? एक हमें पूरी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। प्राइमरली, प्राइमरली का मीनिंग मेनली। डेस्टिनेशंस, डेस्टिनेशंस क्या होती हैं? जहाँ पे हम जाते हैं उनको बोलते हैं डेस्टिनेशंस। अच्छा एक बार ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था एरर डिटेक्शन का, वहाँ पे ना फाइनल डेस्टिनेशन लिखा हुआ था।
एक मूवी भी बनाई गई फाइनल डेस्टिनेशन के नाम से। सभी को समझ में आता है फाइनल डेस्टिनेशन गलत होता है, क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन का अपने आप ही मतलब होता है लास्ट, जो आपकी जगह है उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। डेस्टिनेशन के साथ कभी भी फाइनल नहीं लगाते। फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो जाता है? सुपरफ्लूअस हो जाता है। सुपरफ्लूअस मीन्स जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा। तो जो डेस्टिनेशन हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, मतलब उनको ऊपर रखना चाहिए। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मीन्स ऐसी प्रैक्टिस जो सस्टेनेबल हो, जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसी प्रैक्टिस जो किसी रिसोर्स को खत्म ना करें। तो ऐसी प्रैक्टिस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिससे कि मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स कम हो सके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो इन्वायरमेंट पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड सेफ गार्ड, सेफ गार्ड मीन्स हम प्रोटेक्ट कर सकें लोकल कल्चर्स को। दिस इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? रोल आउट। रोल आउट का मीनिंग क्या होता है? लॉन्च करना। मैंने आपको बोला आर्टिकल में बहुत सारी वोकैबुलरी आएगी अभी। तो इसमें क्या क्या आता है? लॉन्च करना इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। इको फ्रेंडली मीन्स जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, ऐसे हम कदम उठाएं। प्रमोट करें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बिहेवियर। हम प्रमोट करें कि जितने भी विजिटर्स हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें। मीन्स कहीं भी कचरा ना फेंकें, अपने के अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स उठाएं। एंड क्रैकिंग डाउन, क्रैकिंग डाउन का मीनिंग क्या होता है? बहुत स्ट्रिक्ट होना। किस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होना? ऑन रेगुलेशंस, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होना जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। कोलैबोरेटिव मीन्स मिलजुल के कोशिशें बिटवीन द पब्लिक, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है, मतलब गवर्नमेंट और जो हमारी कंपनीज हैं, अगर वो मिलजुल के कोशिशें करें तो ये क्या है? पैरामाउंट है। पैरामाउंट मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जितना भी आओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जितनी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो उसको बनाने के लिए जरूरी है स्पैनिंग। स्पैनिंग का मीनिंग क्या होता है? कवरिंग। और एक किस किस को कवर करता है? इसमें आपके अकोमोडेशन आ गए। अकोमोडेशन मीन्स जहाँ पे लोग रहते हैं, आपके होटल्स, गेस्ट हाउसेस, अट्रैक्शन जहाँ जहाँ लोग विजिट करने जाते हैं, एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस। रिक्रिएशनल मीन्स एंटरटेनमेंट, और जितने भी एंटरटेनमेंट की जगह है तो वो सब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर हो जाती है। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था कि भाई टूरिज्म को अच्छा बनाना पड़ेगा, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को मिलजुल के काम करना पड़ेगा जिससे कि हर चीज़ों को हम अच्छा कर सके। समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ सभी को? चलो ग्रामर करते हैं। एक तो मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, एक मुझे बता दो प्रैक्टिस में सीई होता है, एसई कब होता है। अगला मुझे बता दो बिटवीन के साथ एंड लगता है तो फ्रॉम के साथ क्या लगता है। एक मुझे इसका टेंस बता दो। चल इतनी चीजें बता दो पहले। नेसेसिटेट्स का सब्जेक्ट टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म को इम्प्रूव करना, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इम्प्रूविंग। टूरिज्म नहीं है। प्रैक्टिसेस, जब सी वाला प्रैक्टिस होता है, जैसे ऐसे ही सिमिलरली एडवाइस होता है, तो ये क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। इसका मीनिंग होता है अभ्यास, इसका मीनिंग होता है सलाह। जब प्रैक्टिस होता है या एडवाइजर होता है तो ये वर्ब होते हैं। इनका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अभ्यास करना, इसका मीनिंग होता है सलाह देना, मतलब इसमें एक एक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। बिटवीन के साथ एंड लगता है, फ्रॉम के साथ क्या लगता है? फ्रॉम के साथ टीओ टू लगता है। एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है टेंस कौन सा है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ आया सभी को? अच्छा, इस आर का सब्जेक्ट कौन है? इस आर का सब्जेक्ट देखो, ये बिटवीन से लिखा है, प्रपोजिशन से लिखा है, इसका मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इस आर का सब्जेक्ट है आपका एफर्ट्स। एफर्ट्स जरूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है बेटा? पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न, पैसा लगाना पड़ेगा भाई। किस चीज़ में पैसा लगाना पड़ेगा? मॉडर्न, बिल्कुल नए तरह के, एफिशिएंट, जो एफिशिएंट और इसमें कोई कमी ना हो, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में। ये भी क्या है? इक्वली क्रिटिकल है। क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट है।
ये किसको अच्छा करेगा, इनहेंसिंग इंक्रीज करेगा या एक्सेसिबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के जरिए कोई अच्छा बनाएगा, और कनेक्टिविटी भी अच्छी कर देगा जिससे कि जो ट्रैवलर्स हैं वो सीमलेसली, सीमलेसली मीन्स बहुत स्मूथली बिना किसी परेशानी के, तो जो ट्रैवलर्स होंगे बहुत ही स्मूथली अलग अलग रीजन्स में जा पाएंगे। फर्दर मोर इसके अलावा कम्युनिटी एंगेजमेंट, अगर कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाए तो ये भी एक बहुत ही पाइवोटल, पाइवोटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेप करने में पॉजिटिव एंड सस्टेनेबल टूरिज्म लैंडस्केप को। टूरिज्म का एनवायरनमेंट बहुत ही सस्टेनेबल बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सस्टेनेबल मीन्स रिसोर्सेज को हम ओवर यूज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। एम्पावरिंग, अगर हम सशक्त बनाए हैं लोकल रेसिडेंट, जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, अगर उनको सशक्त बनाया जाए, कैसे उनकी वो एजुकेशन दी जाए, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, तो जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें लोकल्स को इन्वॉल्व किया जाए, तो इससे इंश्योर किया जाएगा, इससे गारंटी होगी क्या कि दैट दे रीप, रीप का मतलब क्या होता है, रीप का मतलब होता है एक idiom है, इनफैक्ट idiom ही प्रोवर्ब है, एज यू सो सो शैल यू रीप। सुना है आप लोगों ने इसका मीनिंग क्या होता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा बोओगे, बोना इज सो, रीप मीन्स जो आपको फल मिलेगा वैसा ही फल मिलेगा, तो जिससे उनको उन फायदों का फल मिल सके, मतलब वो फायदे उठा पाए टूरिज्म के, और साथ के साथ वो प्रिजर्व कर सके, प्रिजर्व मीन्स प्रोटेक्ट कर सके अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भी, अपने कल्चर को भी। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, अलग अलग तरह के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर में जाए, दैट फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मीन्स जो मदद करेगा इंटरेक्शन में, बातचीत होगी विजिटर्स की जो लोग वहाँ घूमने आए हैं और जो लोकल्स भी हैं वहाँ के, जो लोकल रहने वाले लोग हैं, ये फोस्टर करेगा, सपोर्ट देगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को लोग समझेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, अप्रिसिएशन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और इससे किस चीज़ को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, किस चीज़ में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही फुलफिलिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस इंसान के लिए बनेगा। तो ऑथर हमें स्टेप्स बता रहे हैं कि टूरिज्म को अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। चलिए अगला पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। हाँ जी चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग, अगर हम सपोर्ट करें और प्रमोट करें लोकल बिजनेसेस को, ये एक और की मीन्स इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है एज इट, क्योंकि ये ना केवल स्ट्रांग बनाता है, बोल्स्टर मीन्स स्ट्रेंथेंस, स्ट्रांग बनाना, क्योंकि ये ना केवल इकोनॉमी को वहाँ की स्ट्रांग बनाएगा बल्कि ये इस बात को भी इंश्योर करेगा, इस बात की भी गारंटी लेगा कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हो रहे हैं पैसे के टूरिज्म के, वो स्प्रेड आउट हो, वो फैल जाए मोर इक्विटेबली, बराबर तरीके से उस कम्युनिटी के अंदर। तो लोकल बिजनेस को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए। मोर ओवर इसके साथ के साथ एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग मीन्स अपनाना, टेक्नोलॉजी को अगर अपनाया जाए फॉर स्मार्ट डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, अच्छे से मैनेज करने के लिए चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, तो इससे क्या होगा, इन्हांस हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा ओवरऑल टूरिस्ट एक्सपीरियंस, पूरा का पूरा टूरिस्ट का एक्सपीरियंस। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, वेबसाइट्स वगैरह हो गई, इनको लेवरेज किया जा सकता है, लेवरेज मीन्स फायदा उठाना है, तो इनका भी फायदा उठाया जा सकता है, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर एफिशिएंट, अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मीन्स फैलाने के लिए, इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्राउड को मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए और लोगों को पर्सनलाइज सर्विस देने के लिए। इम्प्लीमेंटिंग, अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनोवेटिव नए नए सोल्यूशंस वेस्ट मैनेजमेंट के, वेस्ट कैसे मैनेज होगा, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कम से कम एनर्जी पे कैसे काम कर सकते हैं, एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हम कैसे यूज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी अलाइन करेगा, मैच करेगा टूरिज्म को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल से। मतलब हमें एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए अच्छी तरीके से वेस्ट मैनेज किया जाए, एनर्जी को बचाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बचाई जाए, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बचाई जाए, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की जाए, तो ये सब के सब मिलके अच्छा टूरिज्म की एक फीलिंग देंगे और टूरिज्म जो है हमारे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल से भी मैच हो जाएगा। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी मीन्स आप इस तरीके से किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो कि जिससे कि वो ख़त्म ना हो,
वो बनी रहे, वो चलती रहे, उसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अच्छा लग रहा है आर्टिकल? आपके एग्जामिनेशन में इसी तरह के आर्टिकल्स आएंगे, तो मेक श्योर कि आप बहुत इंजॉय करते हुए पढ़ो। फाइनली क्या लिखा हुआ है? इन कंक्लूजन मीन्स फाइनली अ मल्टी फेसेटेड अप्रोच, एक अलग अलग पहलुओं को साथ में लेके चलने वाली अप्रोच। मल्टी फेसेटेड के बहुत सारे पहलू हैं, तो हमें अलग अलग चीज़ों पर काम करना है। ऐसी अप्रोच जो इंटीग्रेट करे, कंबाइन करे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी वहाँ की एंगेज हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कराएं। तो ये जो अप्रोच है ये ज़रूरी है जिससे कि टूरिज्म सेक्टर लगातार इंप्रूव होता रहे। अच्छा समझ में आ रहा है इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? देखो ये दैट से स्टार्ट हो रहा था, मतलब पूरी पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इसका सब्जेक्ट कौन था? अप्रोच। अप्रोच सिंगुलर था इसलिए इज लगा। दिस होलिस्टिक, होलिस्टिक में सबको साथ में लेके चलने वाला पर्सपेक्टिव जो नजरिया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम एक बैलेंस बना सकें ग्रोथ में, कि इकोनॉमी भी बढ़े, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, इन्वायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी पूरी करें, जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बने जो ना केवल वाइब्रेंट हो, वाइब्रेंट मीन जिसके अंदर खूब एनर्जी हो, और इकोनॉमिकली वाइबल हो। वाइबल मीन्स प्रैक्टिकल हो, मतलब लोगों के लिए बहुत महंगा ना हो, लोगों के लिए इकोनॉमिकली वाइबल हो मीन्स लोगों के लिए सस्ता हो, बट ऑल्सो बट साथ के साथ क्या भी हो, रिस्पेक्टफुल भी हो। ये रिस्पेक्ट भी करे नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द डेस्टिनेशन, जहाँ पे इंसान घूमने जा रहा है वहाँ पे हम उसका जो हेरिटेज है, उसकी जो विरासत है, उसको भी हम रिस्पेक्ट करें, ये भी ज़रूरी। समझ में आया आर्टिकल सभी को? कैसा लगा आर्टिकल? अच्छा था ना? इसी तरह के आर्टिकल्स आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं। पॉलिटिकल आर्टिकल्स कभी भी एग्जाम में नहीं आते, तो उनको कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आप हमेशा ऐसे आर्टिकल्स पढ़ो जो आपके एग्जाम में आते हैं, तभी आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टोन कैसी है? इन्फॉर्मेटिव है, और ऑथर हमें परसुएट करने की कोशिश करें, मनाने की कोशिश करें कि भाई टूरिज्म को इको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, टूरिज्म में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो परसुएसिव का मतलब क्या होता है? जब ऑथर एक व्यू पॉइंट को लेके पब्लिक को परसुएड, पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि दैट व्यू पॉइंट इज राइट। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, और अगला आर्टिकल भी बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में। दैट इज वेदर फिजिकल एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स। तो क्या फिजिकल एजुकेशन को हमें स्कूल्स में कंपलसरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा आर्टिकल है। पढ़े सभी लोग? एवरीवन चलो स्किमिंग करेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड होंगे स्किम करने के लिए। पहला पैराग्राफ स्किम करेंगे सभी लोग। पढ़ लिया सभी ने? चलो देखते हैं। जो सवाल है कि क्या फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी बनाना चाहिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं, और एक बहुत ही नुआंस, नुआंस में इसके बहुत सारे शेड्स, मतलब बहुत ही हल्के डिफरेंसेस वाला इशू है जो बहुत सारे अलग अलग नजरियों को उठाता है। जो उसके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लेके आओगे स्कूल में तो ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब लगातार फैलता जा रहा है सिडेंट्री मीन्स बैठे बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल, जब एक्टिविटीज़ कम होती हैं, और चिंताएं भी हैं कि बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, ओबेसिटी है, तो फिजिकल एजुकेशन को मैंडेटरी करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे कि बच्चों के अंदर हेल्दी हैबिट्स पहले से ही आ जाए। बच्चे अगर स्पोर्ट्स में एंगेज करेंगे, फिटनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे, तो उनकी कार्डियोवैस्कुलर पूरे का पूरे जो हेल्थ है, कार्डियोवैस्कुलर का मीनिंग क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, मस्कुलर स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होगी, उनकी मेंटल वेलबींग भी और स्ट्रांग हो जाएगी। रिसर्च भी कहती है एक रिलेशन है फिजिकल एक्टिविटी के बीच में और अकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो अकेडमिक्स में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, उनका माइंड अच्छे से फंक्शन करता है, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है।
तो ओवरऑल क्या था कि क्या फिजिकल एजुकेशन को लाना चाहिए, तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में बोला हाँ लाना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। आजकल बैठे बैठे रहने वाला काम हो गया, बच्चे एक्टिविटीज में एंगेज नहीं करते, तो अगर हम उनको अच्छी हैबिट स्कूल में ही दिलवा दें तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी होगी तो माइंड भी बहुत अच्छे से काम करेगा। सो दिस वॉज द मेन आइडिया, कितने लोगों का मैच किया। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे सभी लोग। फर्दरमोर इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन एक क्रूसिबल, क्रूसिबल का मीनिंग क्या होता है, एक सिचुएशन या फिर जिसमें मिक्स करते हैं चीज़ों को, दिस इज अ क्रूसिबल। तो इसमें क्या होता है, ये फिजिकल एजुकेशन पूरा पूरा बेस बनाती है जिसमें हम बच्चों के अंदर इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल इज बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स डालते हैं। टीम स्पोर्ट्स जो है पूरा का पूरा एक बच्चों को एक फील्ड देती है जहाँ पे बच्चे जो है अपनी कोलैबोरेटिव लोगों के साथ, कोलैबोरेट लोगों के साथ मिलकर काम करने की स्किल्स, कम्युनिकेशन की स्किल्स, लीडरशिप की स्किल्स को अच्छा कर पाते हैं, अपने अंदर ला पाते हैं, साथ के साथ इंडिविजुअल पर्स्यूट्स और जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं उससे क्या होता है बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है, स्ट्रेंथ आती है। तो ये जो रिलेटेड साइंस है अचीवमेंट का कि बच्चे फिजिकल चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर की तरह काम करता है जिससे कि बच्चों का सेल्फ एस्टीम, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अपने को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं। जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जो ज़रूरत है फिजिकल एजुकेशन को मैंडेटरी बनाने की, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है हेल्पफुल लाइफस्टाइल का, और भी बहुत इससे ऊपर है। ये क्या है कि हम बच्चों को ऐसे, हम इंडिविजुअल्स को नर्चर कर रहे हैं वेल राउंडेड, मतलब जो हर फील्ड में अच्छे हों, ऐसे बच्चों को हम ग्रो कर रहे हैं जिनके अंदर हर तरह की स्किल्स होती हैं जो ज़रूरत होती है जिनकी जीत के लिए अलग अलग जिंदगी के स्फीयर्स में। तो वही है, ऑथर ने फिर बताया है कि फिजिकल एजुकेशन को लाने के क्या क्या फायदे होते हैं। बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट आती है, लीडरशिप कैपेबिलिटीज आती हैं, कम्युनिकेशन उनका अच्छा होता है, उनके अंदर डिसिप्लिन आता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका एस्टीम, सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं, ऊपर से उनके अंदर सारी स्किल्स आ जाती हैं। तो फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ऑथर ने बताई है। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। अब जो लोग नेगेटिव हैं इस बात को लेकर वो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं चलिए। इसमें क्या बोला, कन्वर्सली इसके ऑपोजिट जो ओपोनेंट्स हैं, जो इस बात के अगेंस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर आप मैंडेटरी बना देते हो फिजिकल एजुकेशन को, ये सबके लिए इफेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, हर बच्चे की प्रेफरेंस अलग होती है, हर बच्चे की कैपेबिलिटीज अलग होती है। कुछ बच्चों को पुराने स्पोर्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ बच्चों के अंदर ऐसी हेल्थ कंडीशन हो सकती है जहाँ पे वो खेल ना पाए स्पोर्ट्स को, तो उनके लिए क्या, जो वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और फ्लेक्सिबल अप्रोच बनाओ जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज दो लेकिन बच्चों को अलाउ करो कि वो सिलेक्ट करें जो उनके इंटरेस्ट के, वो उसको सिलेक्ट करें। इससे क्या होगा, फिजिकल एजुकेशन के क्यूरिकुलम को आप क्या करो, बच्चों के हिसाब से बनाओ, सब लोगों के अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं, अलग अलग सोच होती है, उसके हिसाब से बनाओ। और तो बच्चों के अंदर क्या बनाओ कि फिजिकल एक्टिविटी को अप्रिसिएशन तो दे, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ उनका झुकाव तो हो, लेकिन उनके लिए मैंडेटरी मत बनाओ कि आपको यही वाला स्पोर्ट्स खेलना है या फिर यही करना है। बच्चों को प्रेफरेंसेस दो, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे जो है ओपोनेंट्स कहते हैं। चलो एक छोटा सा पैराग्राफ और है, जल्दी से इसको भी स्किमिंग कर लेंगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि जो डिबेट चल रही है कि फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया जाए, ये हाईलाइट करता है किस चीज की नीड को, कि बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, बहुत क्लियर है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी हमें ये भी सोचना चाहिए हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें कैसा बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हर बच्चा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी तो करे बट लेकिन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो अपने हिसाब से करे और इंक्लूसिविटी हो, हम सबको साथ में लेके चले। और ये बैलेंस बनाना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, थोड़ा सा मुश्किल काम है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। समझ आई, स्किमिंग की हमने सेकेंड आर्टिकल में, रीडिंग नहीं की। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक बार आप इसको रीड कर लेंगे, लेटर को भी एक बार रीड कर लेंगे सभी लोग। चलो अब मुझे मैच द कॉलम्स का आंसर देंगे। बोलस्टर,
किसी चीज को स्ट्रांग बनाना, पाइवोटल बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रायम्फ जीत, एसिमिलेशन किसी चीज को अपने अंदर लेना, पैरामाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बी ई ए डी सी स्कोर्स एवरीवन। 9 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है, सभी की जिम्मेदारी है कि आप लोग कमेंट में कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग लिखें ही लिखें। एवरीवन हैज टू राइट इट। जो भी बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को सिलेक्ट करके हमारी टीम की तरफ से उसके घर पे एक बुक भी भिजवाई जाएगी, बट मेक श्योर दैट यू राइट द मीनिंग्स। सबको लिखने हैं मीनिंग्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। यस, अच्छा सब सबको समझ में आ रहे हैं ना, आर्टिकल समझ में आ रहे हैं, इंग्लिश इंप्रूव हो रही है ना एडिटोरियल से। मेक श्योर करो कि आप एडिटोरियल की हैबिट बना लो अपने डेली लाइफ को में। ये हैबिट आपकी इंग्लिश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, बट उसके लिए आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी, मुझे एडिटोरियल रोज करना ही करना है। इसमें सब कुछ हो जाता है, वो कैब हो जाती है, रीडिंग हो जाती है, स्किमिंग हो जाती है, ग्रामर हो जाती है, सारी चीज़ें एक सेशन में कवर हो जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, परफेक्शन कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, परफेक्शन मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, ग्रामर ग्रंथ करना चाहते हैं, वो आज के आज ही यस ऑफिसर पे जाके इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो निमिषा बत्सल एक्सक्लूसिव एक्सेस आपको लेना होगा, कोड आप लगाओगे निमिषा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें परफेक्शन बैच में लगभग 12 चैप्टर्स हैं, तो आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स देखने हैं। हर चैप्टर में 3-3 4-4 क्लासेस हैं, तो मेक श्योर करो कि आप सारे के सारे चैप्टर्स देख लो। एक बार आप सारे चैप्टर्स देख ले तो उसके बाद आपको लाइव क्लासेस में आना स्टार्ट करना है। लाइव क्लासेस इसकी 9 बजे होती है, 9 AM होती है, और ये जो आपकी लाइव क्लासेस हैं दे विल स्टार्ट फ्रॉम 21st of Feb। बट 21st of Feb से पहले पहले आपको चैप्टर्स ये कंप्लीट करने हैं, बट मेक श्योर करना 3 चैप्टर्स तो कम से कम कंप्लीट कर लो, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराजंबल और एक क्लोज टेस्ट। ग्रामर ग्रंथ में आपको सबसे पहले जो चैप्टर देखना है दैट इज टेंसेस, जो भी सबसे ज्यादा बेस है ग्रामर का, तो ये दोनों मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग 20 तारीख से पहले पहले कर लोगे, जिससे कि 21 से आप क्या करो लाइव क्लासेस में आना स्टार्ट करो। कंप्लीट जो लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, क्वांट्स भी पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं, जीए भी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं, सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। इसमें भी आप कोड निमिषा लगाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिया के सारे बेस्ट फैकल्टीज आपको ये ऑफिसर पे मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में, तो मेक श्योर करो कि अगर आप कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको PDF मिल जाएगा, @mamnimisha लिख देना या @nimishamam लिख देना, दोनों टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर। इसमें आपको सारे PDF, मैगजीन्स, चेकलिस्ट सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, इसको फिल कर देना या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, परेशानी, जो विनर का नाम है वो कमेंट सेक्शन में आपके पिन हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।